सभी का स्वागत है डाबीज किचन में। आज की रेसिपी का नाम है मटकी भेल, इसे हम स्प्राउट भेल भी बोल सकते हैं और स्प्राउट चाट भी बोल सकते हैं। आप देख लेंगे, जैसे कि हमने ये स्प्राउट लिया है, इसे हमने ओवरनाइट सोक कर लिया था और सोक करने के बाद में मॉर्निंग में इसे हमने गर्म पानी में बॉईल करने के बाद में मीन्स गर्म पानी में हमने इसे हल्दी और नमक के साथ में बॉईल कर लिया और उसके बाद में इसके पानी को छान लिया। अब हम सबसे पहले इसे एक बाउल में ले लेंगे। जैसा कि आप लोग अब देख ही रहे होंगे कि इंग्रेडिएंट्स तो आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं और ये काफ़ी टैंगी और काफ़ी स्वादिष्ट इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप इसे देखेंगे। तो अब हम इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं आपको। जैसे कि ये मैंने क्यूकम्बर लिया है, इसे खीरा भी बोलते हैं। अब हम सबसे पहले खीरे को ऐड कर देंगे इसमें। उसके बाद में हम लेंगे अनार के दाने। ये देखिए बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं ये जब हमको ये भेल में नज़र आते हैं। अब हम ऐड करेंगे इसमें ऑनियंस। आप चाहें तो ऑनियन की मात्रा थोड़ा स्वाद अनुसार कम कर सकते हैं। स्वाद अनुसार इसलिए बोला मैंने क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्याज ज़्यादा चरके भी होते हैं, तो जैसे ये हमारे प्याज थे ये थोड़े कम चरके हैं, नॉर्मल टेस्ट देते हैं, इसलिए हमने एक कटोरी ऐड किया इसमें। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। वैसे तो ये भेल बड़े छोटे सभी खाते हैं, पर जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद होती हैं, तो इसलिए हमने इसमें मिर्ची का कम इस्तेमाल किया है। इस चाट की या आप भेल की जो भी आप बोल रहे हैं इसको, जो चाहे बोल सकते हैं, ये बहुत पौष्टिक होता है, तो आप टिफ़िन में भी बच्चों को दे सकते हैं और ये 2-4 घंटे अगर आप टिफ़िन में पैक रहता है तो इससे भी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी बॉयल है और सारे मसाले या जो भी बोलेंगे हम ऐड कर रहे हैं इंग्रेडिएंट्स, वो सब नेचुरल चीज़ें हैं। उसके बाद में हमें इसमें पीनट्स भी ऐड कर देंगे। पीनट्स काफ़ी एक प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है, सोर्स होता है, जो बढ़ते बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब आप देखेंगे जैसे गाजर है, अगर आप इनको एक बारीक तरीके से काटेंगे तो बड़े बड़े जो खाते मुँह में नहीं आएंगे ये, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगे, क्योंकि ये ईजीली च्यू कर सकते हैं, खा सकते हैं, चबा सकते हैं छोटे बच्चे। एप्पल भी हमने इसमें बारीक कट करके ऐड किया है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको बताना भूल गया। और चाहे तो आप इसमें दूसरे फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, बट ये जो चीज़ें हमने ऐड करी हैं ये सफिशिएंट हैं पौष्टिकता के हिसाब से भी और टेस्ट के हिसाब से भी। कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया कि ये जो भेल बोल सकते हैं इसको, या आप मटकी भेल भी बोल सकते हैं, चाट भी बोल सकते हैं, ये बच्चों के लिए बनाई जा रही है और बड़े भी इसको पसंद करते हैं। तो थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स में आप चेंज करेंगे तो आप बड़ों के लिए भी इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अभी तक हमने इसमें हरी मिर्ची या किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं किया है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स वो हैं जो फ्लेवर को एनहेंस करते हैं और पौष्टिकता भी काफ़ी रहती है, तो बच्चों के हिसाब से बना रहे हैं इसलिए हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची का उपयोग करेंगे, 2 चुटकी भरी हुई, जैसे आप देख रहे होंगे मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इसका टेस्ट भी बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं आएगा अगर इसमें ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे। दोस्तों, जैसे कि ये बच्चों की डिश है और अभी तक हमने इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा ऐड नहीं किया जिससे कि ज़्यादा तीखापन आए या बच्चों को खाने में प्रॉब्लम हो। अगर आप बड़ों के लिए बनाएं तो इसमें आप हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, क्रश करी हुई, कट करके, जैसा आप पसंद करें। और जो इंग्रेडिएंट्स हम आपको बताते हैं उसमें आप काला नमक भी ऐड कर सकते हैं, सादा नमक भी ऐड करना है वैसे तो, और ये नमक आप अपने स्वाद अनुसार कीजिए। क्या होता है कि हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है, तो नमक अपने अनुसार ही डालें। अब हम इसमें 1 चम्मच शुगर ऐड कर देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने खड़ी शक्कर मीन्स इसको पीसा नहीं है। पीसने से क्या होगा, ये बहुत जल्दी पानी छोड़ देगी और पूरी जो सैलेड है वो थोड़ी सी चिपचिपी सी हो जाएगी, तो इसको अवॉइड करने के लिए आप इस तरह की शक्कर लें। आप चाहें तो शक्कर ना ऐड करना चाहें तो हनी भी ऐड कर सकते हैं, या दोनों चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो हम दोनों ही ऐड कर रहे हैं। 1-1 स्पून हम हनी भी ले रहे हैं, जैसे देख सकते हैं आप, कोई सा भी हनी आप मार्केट में अवेलेबल है जो ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा पौष्टिक होता है, जैसे आप सभी जानते हैं, इसका उपयोग करें। अब हम इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड करने जा रहे हैं जो हर किसी को बहुत ही पसंद आता है,
जैसे कि इसके नाम में ही है मटकी भेल या मटकी चाट, तो इसमें हम ऐड करेंगे चाट मसाला। इसे स्प्रिंकल कर दीजिए आराम से, मिक्स हम सबको बाद में करेंगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब हमने मटकी या स्प्राउट्स को बॉईल किया था ओवरनाइट सोक करने के बाद में, तो उसको नमक और हल्दी के साथ में बॉईल किया था। तो अब हम जब भी नमक ऐड करेंगे तो थोड़ा सा एक नॉर्मल ही नमक ऐड करें, ज़्यादा ना करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा तेज़ नमक हो जाएगा इसमें। तो आप देखेंगे जैसे हमने आधे चम्मच से भी कम नमक लिया है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें काला नमक भी ऐड किया है। तो नमक आप थोड़ा सा कॉशियसली ही ऐड करें, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब ऑलमोस्ट हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हो चुके हैं जो हमें इसमें ऐड करना था। अब एक सबसे अच्छा और विटामिन सी से भरपूर इंग्रेडिएंट्स को इसमें ऐड करेंगे, जो कि हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, वो आप सभी समझ गए होंगे। देखिए, जैसे हम लेमन लेंगे जिसे हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, आप इसमें 2 चम्मच के आसपास डाल सकते हैं। ज़्यादा इसलिए नहीं डालें क्योंकि अभी अगर ज़्यादा खट्टा हो जाएगा तो उसका जो स्वाद है वो आपको उतना मिलेगा नहीं। और दोस्तों, एक बहुत ही ख़ास बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा, ये जो चैनल हमने स्टार्ट किया है ये हस्बैंड वाइफ ने मिलके किया है। हम दोनों ही खाना बनाने के शौकीन हैं, बहुत सालों से हम बनाते थे घर में। हम सोचते थे कि क्या करें, अपनी ये जो डिशेस हैं या जो चीज़ें हैं ये लोगों तक कैसे पहुँचाएँ। तो कुछ लोगों ने हमें मोटिवेट किया कि आप बनाइए, आज का समय है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आपको हमारी डिश अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। जैसा कि आप देख रहे होंगे, बात करते जा रहा हूं और इसको मिक्स कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों का टाइम भी सेव हो और आप हमारी पूरी डिश आसानी से सीख सकें। हल्के हाथों से आराम से सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला दीजिए, सब इवनली मिक्स होंगे तो जब भी आप जो भी पार्ट सर्व करेंगे सबको बराबर स्वाद आएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसे कि देख रहे होंगे ऑलरेडी सब मिक्स हो चुका है। फ्रेंड्स, जो भी डिश हम आपके लिए लेके आते हैं पहले हम उसे घर में ट्राई करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो मेरी भी एक छोटी बेटी है, हमने उसे ट्राई करके खिलाया, उसने जब इसको अप्रूव किया तो हमने इसको बना के आपके लिए लेके आए हैं। आप इसमें अब थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, बारीक कटा हुआ। एक तो ये आपको वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा होगा देखने में, धनिया हर चीज़ की खूबसूरती बढ़ा देता है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये जो डिश है ये पूरी तरह तैयार है, ये बहुत ही हेल्दी है, आप अपने छोटे बच्चों के लिए टिफ़िन में भी दे सकते हैं जैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और आप हमें अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, हमें इसकी बहुत ज़रूरत है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छी डिशेज लाना चाहते हैं कम समय में बनाई जाने वाली। तो आप देख रहे हैं ये पूरी डिश तैयार है, आप इसे सिर्फ अब सर्व करना है, तो आप इसको सर्व कर सकते हैं। देख रहे होंगे आप, बहुत ही बढ़िया दिखाई देता है ये और बहुत ही हेल्दी है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना प्यार हम पे बरसा दें।